हेलो गाइस, जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए सेविंग द एनवायरनमेंट चैप्टर का नाम है जो कि आपका जूनियर बुक है, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं आज आप लोग हाउ टू रीडिंग बुक एंड आपको ये प्रॉफिट होगा कि जो चैप्टर जो पढ़ना है उससे आपको क्या सीख मिलता है, ठीक है। एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करना है। और गाइस, चलिए गाइस टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है गाइस, सेविंग द एनवायरनमेंट, सेविंग मतलब बचाना, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाता है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर, वाटर एंड सॉयल आर ऑल पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी, सॉयल मतलब मिट्टी, आर मतलब है ऑल मतलब भी, पार्ट मतलब हिस्सा, और मतलब हमारा एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, यानी कि पानी, जल और मिट्टी हमारा पर्यावरण का हिस्सा और है, ठीक है। टुगेदर दे हेल्प लाइफ एग्जिट ऑन दिस अर्थ। टुगेदर मतलब एक साथ, दे मतलब ये सब, हेल्प मतलब मदद, लाइफ मतलब जीवन, एग्जिट मतलब साथ, निकास ऑफ दिस अर्थ मतलब कि पृथ्वी का, यानी कि ये सब एक साथ मिलकर पृथ्वी पर क्या करते हैं, जो भी है पर्यावरण को एक साथ अनुकूल में करते हैं। नेक्स्ट गाइज, हाउवर मेनी मेनी ह्यूमन एक्शन हैव अफेक्टेड द एलिमेंट्स ऑफ अदर देन नेचुरल बॉडी, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो एक्शन होते हैं वो इफेक्ट करते हैं एलिमेंट ऑफ दिस नेचर बॉडी, यानी कि एलिमेंट मतलब क्या होता है, तत्व, तत्व होता है नेचर, स्वभाव, बैडली मतलब पूरी तरह से। दिस इन द लॉन्ग रन मे प्रूव डेंजरस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। और यह भी एक चीज़ सिखला है, मतलब ये सीखता है ना कि जो डेंजर लाइफ होता है उसको भी हमारा पर्यावरण बचाने से मदद करता है, ठीक है। वी नो दैट इन ऑर्डर टू लाइफ हेल्थी लाइफ आवर एनवायरनमेंट मस्ट बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो हेल्थी यानी कि स्वास्थ्य जो लाइफ का होता है ना, वो हमारा आपका स्वास्थ्य रहना हो तो क्या करना होगा, पर्यावरण को पूरा साफ रखना होगा हर जगह से, और गंदगी को पूरा साफ करना होगा। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट का क्या कॉन्स्टिट्यूट लगातार क्या है। द एनवायरनमेंट इज द नेचुरल वर्ल्ड विच इंक्लूड्स द लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि पर्यावरण क्या है, यह एक प्राकृतिक नेचर है, स्वभाव है, जो कि इसमें क्या क्या होते हैं एक साथ में, लैंड होते हैं, भूमि होते हैं, पानी होता है, हवा होता है, पौधा होता है और जानवर होता है, पर्यावरण का मतलब हिस्सा हो गया। वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि हम लोग इंसान भी क्या है, ह्यूमन बींग मतलब क्या, इंसान भी एक अहम हिस्सा है पर्यावरण का। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। तो पॉल्यूशन क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच आवर एनवायरनमेंट इज डैमेज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज नोन एज पॉल्यूशन, यानी कि जो प्रक्रिया होता है पर्यावरण का डैमेज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि प्राकृतिक जब प्रक्रिया होता है ना उसको हम लोग क्या गंदा करते हैं प्रकृति को या खराब करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन सच इज एयर, वाटर, लैंड एंड वाइज पॉल्यूशन, यानी कि देयर वेरियस टाइप, यानी कि कई प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हवा पॉल्यूशन होता है, पानी का भी पॉल्यूशन, गंदगी होता है, लैंड मतलब पृथ्वी का भी, और नॉइज पॉल्यूशन मतलब क्या, जो आवाज शोरगुल होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एयर पॉल्यूशन क्या है पढ़ते हैं, समझ आना। एयर पॉल्यूशन, दिस एयर इज दैट सरराउंडेड अस कंटेन मेनी गैसेस, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के जो गैसेस होते हैं ना सब किस में आते हैं, एयर पॉल्यूशन में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग दीज गैसेज इज द ऑक्सीजन दैट वॉज ब्रेथ इन, ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि आपको गैस में इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है ना जिसके थ्रू क्या हम लोग हमारा वो एक हम मतलब बहुत ही अहम हिस्सा है जिसके द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन के बिना हम लोग सांस नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, ठीक है। वेन हार्मफुल गैस, जैसे कि जो हम लोग को इफेक्ट करता हो, बॉडी पर खराब प्रभाव पड़ता हो, कौन सा है, फ्यूम्स एंड स्मोक आर रिलीज्ड इनटू द एयर, यानी कि जो स्मोक मतलब धुआं जैसे हो गया ना, धुआं हो गया, धुआं जाके आपको एयर में क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो आपको एयर पॉल्यूशन कर रहा है, यानी कि हवा को क्या कर देगा, गंदा कर देगा। दिस पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, एनिमल, बर्ड्स एंड प्लेट्स, और जो गंदगी, जो गंदा वाला हवा होता है ना, किसके लिए हार्मफुल होता है, यानी खराब होता है, तो इंसान के लिए, जानवर के लिए, पक्षी के लिए और पौधों के लिए। वी कैन फॉल सिक बाई ब्रेथिंग इन पॉल्यूटेड एयर, हम लोग क्या होंगे, जिसके कारण हम लोग क्या बीमार पड़ जाएंगे जब वो सांस लेंगे तो, ठीक है, हमारा बॉडी खराब हो जाएगा। एयर पॉल्यूशन कॉज बाय, अब बता रहा है हवा का जो गंदगी है ना किसका कारण होता है, क्या होता है, द फ्यूम्स गेम्स ऑफ बाई द फ्यूम्स गेम्स आउट बाई कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड मोटर बाइक्स दैट रन्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल, यानी कि फ्यूम
जो फ्यूम का मतलब गैस जो निकलता है ना धुआं गाड़ी से, गाड़ी वगैरह से, तो उसको हम फ्यूम गैस बोलते हैं। जैसे कार से निकलेगा, बस से निकलेगा, ट्रक से निकलेगा, मोटर बाइक से निकलेगा। और गाइस मैं बता दूँ, इसमें दिया नहीं है, तो जो भी वो गैस निकलता है ना उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा। द स्मोक कम आउट ऑफ फैक्ट्रीज, और कुछ स्मोकिंग जो होते हैं ना हवा, क्या फैक्ट्री से निकलते हैं तो भी क्या होता है, हवा को गंदा करता है। तो मैंने दो टाइप बता दिया। अब देखिए यहाँ पे है, पिक्चर में देख सकते हो, ये फैक्ट्री का है, ये जो है एरोप्लोसन किसका, कार का निकला हुआ है। ये क्या कहेगा गाइस, ये आपका भी एक जो इंसान लोग अपने में मतलब लकड़ी जल रहा है, ठीक है, उड्स का जलने का। तो हम लोग ये पॉल्यूशन के बारे में समझे, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। एंड गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कोई लाइक करते रहें, लाइक करें, कॉमेंट करें एंड शेयर करें, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ है, द रिलीज ऑफ हार्मफुल पार्टिकल व्हेन रेफ्रिजरेटर कंप्यूटर एंड कंडीशन आर इन यूज, कटिंग डाउन फॉर इफेक्ट लार्ज स्केल विच इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। यानी कि जो बोल रहे हैं ना गाइस, हम लोग पेड़ को काट रहे हैं ना, तो अभी क्या है, हम लोग बहुत दिक्कत होगा, वो पोल्यूशन को जबकि साफ करता है, लेकिन हम लोग करेंगे तो डिफॉर्मेशन, पेड़ को हटाना, तो हमारे लिए इफेक्टिव है। अब आगे है, ऑल लिविंग बींग नीड वाटर टू लिव, यानी कि सभी जीव जंतु को रहने के लिए क्या पानी जरूरत है। एवरी डे वी नीड फ्रेश एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक, यानी कि हम लोग को प्रतिदिन क्या जरूरत होती है, साफ और शुद्ध पानी पीने के लिए। वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज सच एज वॉशिंग, बाथिंग एंड क्लीनिंग, यानी कि वी ऑल्सो नीड, यानी कि हम लोग को अदर भी जरूरत होता है, जैसे अदर काम के लिए क्या क्या होता है, जैसे कि कोई कपड़ा धोना हो गया, नहाना हो गया, कुछ साफ करना हो गया, जैसे बर्तन हो गया, ठीक है, ये वाटर का था। अब आते हैं, वेन वेस्ट और गार्बेज गैस मिक्स विथ वाटर इट बिकम डर्टी, यानी कि आप पानी को गार्बेज के साथ यानी कूड़ा के साथ मिलाते हो, पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। द इम्प्योरिटी इन वाटर कॉज वाटर पोल्यूशन, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, गंदगी पानी कहलाएगा, गंदा पानी, वाटर पोल्यूशन। पॉल्यूटेड वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग पर्पज, इट कैन मेक अस फॉल इल। अब वो रहना, जो भी गंदा वाला पानी होता है, गंदगी वाटर, वो हमारे पीने के लिए नहीं होता है, ठीक है ना, कपड़े साफ करने के लिए, क्योंकि उसको पीते हैं या कुछ करते हैं क्या हो जाएगा, हम लोग इट कैन मेक अस फॉल इल, यानी कि हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दुकानी है, वाटर पॉल्यूशन इज कॉज बाय, जिस प्रकार हम लोग एयर पॉल्यूशन के कारण पीछे पढ़े थे ना, अब पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के कारण, ठीक है, गंदगी का। डंपिंग वेस्ट फ्रॉम हाउस एंड फैक्ट्री इंटू वाटर बॉडीज, यानी कि डंपिंग वेस्ट फ्रॉम हाउस एंड फैक्ट्री इंटू वाटर बॉडीज, यानी कि जो भी घर से गंदगी पानी निकला या फैक्ट्री से, जो कि हमारे बॉडी में क्या होता है, इफेक्ट करता है। बाथिंग ऑफ एनिमल्स इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर, देखिए जानवर यदि जाकर नहाएगा कहाँ पे, नदी में, रिवर में, देखिए तो क्या होगा, पानी वहाँ गंदा हो जाएगा, और वही पानी हम लोग को यूज भी आता है जब कभी करते हैं। ऑयल लीक, जब कोई मान चलिए ऑयल का प्रयोग होता है तो ऑयल लीक होता है ना, तो इसमें नदी में प्रयोग करते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स इन नियर रिवर्स, और यदि लोग कपड़ा धोते हैं अपने नदी की, नदी के पास जाके, तो वही सब पानी क्या, गंदगी हो गया ना, और पॉल्यूशन वाटर हो गया। अब आते हैं, लैंड ऑन सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि जो पृथ्वी पर मिट्टी गंदा होता है ना, कैसे होता है ये, वो भी मतलब बर्बाद एक तरह से उसका रीजन बताया गया। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट एज ऑफ नेचर, यानी कि जो मिट्टी है ना, बहुत ही एक अच्छी, एक तरह से हमारे मतलब पृथ्वी के द्वारा मिला हुआ क्या गिफ्ट है, तोहफा है। प्लांट्स ट्री एंड क्रॉप्स ग्रो इन सॉइल, जैसे कि पेड़ पौधा या पौधा या फसल कहाँ उगाया जाता है, सब तो मिट्टी पर, ठीक है। एनिमल्स सच ए रैबिट अर्थ वर्म लाइफ इन द सॉइल, एनिमल में ऐसा क्या थी, जैसे कि रैबिट, अर्थ वर्म, यानी कि आपको खरगोश, ये सब कहाँ रहते हैं, अर्थ वर्म ये सब कहाँ रहते हैं, मिट्टी के पर रहते हैं, यानी कि ब्यूरो में रहते हैं एक तरफ से। सॉइल होल्ड्स वाटर विच प्रोवाइड लाइफ टू प्लांट एंड ट्रीज, और मिट्टी क्या होता है, पानी को होल्ड करता है, रोकता है, जहाँ पेड़ जैसे उगता है ना, तो उसको उतना देर में पानी देता है, जिससे क्या होता है, उसको एनर्जी मिलता है, पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर ही हम लोग भी टिके हैं मनुष्य, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीसेस हो गया हमारे लिए ये। अब आते हैं हम लोग की, देखिए पृथ्वी पर गंदा कैसे हो रहा है। लैंड पॉल्यूशन इज कॉज बाई, यानी कि डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड लैंड, यानी कि जो भी डिस्पोजल एज लाइक अ बोतल हो गया, वो क्या होता है, हमारे जाके पृथ्वी पर सब रख रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो भी पृथ्वी गंदा हो रहा है पूरा। थ्रोइंग ऑफ केमिकल ऑन दिस सॉइल, किसी भी तरह कोई केमिकल का यूज करना पृथ्वी पर रख देना या वहाँ पर प्रयोग करना, वह क्या हो गया, वो भी हमारा सॉइल को गंदा करेगा। माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग मतलब क्या होता है गाइज, जो भी आपको फैक्ट्री हो गया
यूज होता है माइनिंग में, कोयला वगैरह से। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सच एज एडिंग फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टाइज, एग्रीकल्चर भी यूज करते हैं अपना, तो वो भी क्या करते हैं, जैसे आपको हो गया खाद का यूज करेंगे, फसल को तो करते ही नुकसान, प्लस वो मिट्टी में भी जाकर उसको भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर हो गया। कटिंग डाउन ऑफ ट्री विच कॉज ऑफ ऑल सॉइल इरोजन, जैसे कि देखिए कटिंग डाउन हो रहा है, यानी कि जो मिट्टी को लोग घर पर लाते हैं ना कहीं से कोड़ वगैरह या कटिंग करके, से कोयला कटता है, हर तरह का चीज़ कटता है, आपको पहाड़ वगैरह कट रहा है, इससे क्या होगा, मिट्टी का भी दिक्कत होगा। और जैसे लैंड पोल्यूशन का एग्जाम्पल है, देख रहे हैं ये बहुत सारा गंदगी भी गया था एक जगह, तो खराब हो जाएगा, इस तरह से हमारे पृथ्वी को तहस नहस के, या जिस तरह बालू को लोग रहते हैं अपन करके, ये देखिए पेड़ पौधा के नुकसान पड़ेगा यदि मिट्टी वगैरह हटने लगे तो, ठीक है। अब यहाँ लिखा है मेजर टू रिड्यूस पोल्यूशन, यानी कि क्या माप है, मतलब पोल्यूशन को कम करने का, ठीक है, तो रिड्यूस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल एंड गैस, यानी कि हम लोग जितना कम से कम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल और गैस का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। प्लांट मेनी ट्रीज, यानी कि हम लोग जितना ज़्यादा पौधे लगाएंगे। एवॉइड फायर वर्क्स, यानी कि फायर वर्क्स जितना भी काम होता है उसको कम करेंगे, जैसे पहले लोग कोयला पर बनाते थे, ठीक है, या चूल्हा पे, लेकिन अब क्या हो गया, गैस का प्रयोग होता है, जिस कारण कि गंदगी या पोल्यूशन कम है। ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम लोग ट्रेवल क्या करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यूज करेंगे, जिससे कि कम हो। एवॉइड वेस्ट ऑफ पेपर, हम लोग मतलब जो पेपर का बनता है ना उसको कम ही से कम यूज करेंगे, जो प्लास्टिक वगैरह का नहीं यूज करेंगे। थ्रो गार्बेज इन बीन्स, जो भी कूड़ादान हो गया उसको कूड़ा में ही बीनेंगे, यहाँ वहाँ नहीं बीनेंगे, जिससे कि हमारा पोल्यूशन से बच सकते हैं। रिड्यूस रिसाइकल यूज, रिसाइकल का प्रयोग करेंगे जितना ज़्यादा प्रयोग रहेगा। थ्रो फैक्ट्री वेस्ट इन वाटर डिस्पोजल एरिया, और जो भी हम लोग जैसे थ्रो फैक्ट्री बोल रहा है, वेस्ट इन वाटर डिस्पोजल, वाटर का जो भी खराब डिस्पोजल होता है उसको यहाँ बीनेंगे नहीं, यहाँ वहाँ तो हमारे पोल्यूशन से बच सकते हैं। गेट पोल्यूशन ऑफ चेक ऑफ ऑल व्हीकल, जितनी भी गाड़ी है वो सब मतलब लिमिट से चलेगी तो अच्छी रहेगी। यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, हम लोग जितने ज़्यादा नेचुरल का यूज करेंगे ना कि बनावटी, ठीक है, तो दिक्कत करेगा। तो ये गाइस था, अब रिसाइकिलिंग के बिगिन में आते हैं। रिसाइकिलिंग क्या होता है, देखिए यहाँ ऐसे लिखा है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ थिंग्स वी यूज हेल्प द एनवायरमेंट एज इट वुड मीन, यानी कि जो भी वस्तु हो गया रिड्यूस अमाउंट, यानी कम करना, लेस वेस्ट, उसको जितना कम करेंगे वो ठीक रहेगा। रिड्यूसिंग मीन्स फाइंडिंग वे टू यूज थिंग्स अगेन, यानी कि रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है, रिसाइकिलिंग मतलब बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कि पानी बरसता है, ठीक है, रिसाइकल क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, पानी बरसता है ना, पृथ्वी पर आएगा, नदी पर आएगा, और जब सनलाइट आएगा तेज प्रकाश से क्या होता है, वो पानी धीरे धीरे वाष्प के रूप में ऊपर सन गॉड के पास चल जाता है, तो यही रिसाइकल कराता है, ठीक है। आते हैं रिसाइकल मीन्स क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स आउट ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स सच एज न्यूज पेपर विच कैन बी यूज टू मेक पेपर बैग्स, लाइक जैसे कि हम पेपर हो गया, ठीक है, मान चलिए पेपर था खराब हो गया, यूज करने के बाद उसका प्रयोग हम लोग क्या किसी अदर चीज़ में भी कर लेंगे तो रिसाइकल हो गया, ठीक है। इफ़ यू फॉलो 3 RS वी कैन रिड्यूस अवर लॉट्स ऑफ वेस्ट बिंग प्रोड्यूस द सीडिंग पॉल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल रिसाइकिल पेपर कैन रिड्यूस द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जिस प्रकार बोल रहा है ना कि रिसाइकिल प्रयोग करना है तो हम लोग पेपर को एक तरह से कटिंग करके उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका कुछ रिमेंबर वाले पॉइंट है, द एनवायरमेंट इज द नेचुरल वर्ल्ड विच इंक्लूड द लैंड वाटर ह्यूमन बींग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना, ये जुड़ा हुआ है। द प्रोसेस बाई विच आवर एनवायरमेंट इज डैमेज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज नोन एज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन किसे कहते हैं अभी हम लोग पढ़ें। वेन हार्मफुल गैस फॉर्म्स एंड स्मोक आइलेज इन टू एयर दे कॉज एयर पॉल्यूशन, यानी कि जब ये हार्मफुल गैस को हो गया हमारे स्मोक हो गया तो हमारे जाएंगे अंदर में तो क्या होगा, एक तरह से गंदा हवा हो जाएगा, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और क्लीन पर्पसेस, यानी कि जो गंदा पानी होता है उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं पीने में क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगा। रिसाइकिल मीन्स क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट आउट ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स, रिसाइकिल मतलब क्या होता है, कोई भी पुरानी चीज़ से उसको नए चीज़ में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, यूज करना, ओके। अब यहाँ से क्वेश्चन है सर, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं पढ़ बताता हूँ। एयर वाटर सॉइल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। एयर पोल्यूशन इज कॉज अबाउट कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज, ये बताना होगा। मीन्स कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट, कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जो काटा जा रहा है क्या होगा, सॉइल वेस्ट होगा। रिसाइकिल वेस्ट टू रिड्यूस न्यू से ओल्ड, वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, तो कैसा वाटर होगा, पोल्यूटेड वाटर। पॉल्यूशन इज कॉज बाई डिस्पोजल ऑफ गार्बेज ऑन लैंड, यानी कि कौन सा है जो कि वेस्ट करेगा, ये हो गया एंड ट्रू फॉल्स में। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ट्रू। नेक्स्ट है ऑल लिविंग बींग नीड्स वाटर टू लिव, यस ट्रू।
वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाई वॉशिंग क्लॉथ इन रिवर्स, यस। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कॉज सॉल कन्वर्सेशन, ट्रू। रिसाइकल पेपर कैन रिड्यूस द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, नहीं फॉल्स है, इसका प्रयोग नहीं था। वी फील हेल्थी बाई ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर, यानी कि हम लोग जब गंदे हवा को लेंगे तो क्या हम लोग अच्छे फील करेंगे, फॉल्स ना। रिसाइकल रिड्यूस रियूज लैंड पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन, यहाँ पे आपको ये आपको मिलान करना है, ठीक है। लेस वाटर हैपन, यूज थिंग्स अगेन, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल वंस, ओएलएक्स माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डज पोल्यूशन मीन्स, व्हाई इज ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। व्हाट कॉजेज एयर पोल्यूशन, हाउ डज वाटर बिकम पोल्यूटेड, हाउ कैन वी रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, व्हाई शुड वी फॉलो द 3 RS, ठीक है, क्यों फॉलो करेंगे। ओके गाइस, तो आपका ये होगा चैप्टर द एंड कंप्लीट, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर है, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। एंड गाइज, हमारे बैक साइड से जो भी आवाज़ आ रहे होंगे तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, एंड इग्नोर करें। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो पहले लाइक करें, कमेंट करें। एंड गाइज, आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करें, एंड इसी प्रकार के डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू गाइज़।